दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगई सिर चढ़कर बोली और घर के बाहर अपनी ही पत्नी के गोली मारकर की हत्या, और दबंग पति हुआ बाइक लेकर फरार। घटना की सूचना पर खुद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा पहुंचे और मौके पर की जांच पड़ताल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर, हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में पति पत्नी के विवाद के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, परंतु इस बार तो हद हो गई। थाना मऊ दरवाजा के मोहल्ला गड़ी अशरफ अली निवासी उपेंद्र उर्फ भमर पाल यादव संध्या के समय अपनी पत्नी ज्योति को छोड़ने रोडवेज बस स्टैंड जा रहे था और बाइक घर के बाहर खड़ी थी। बाइक पर पुत्र यश भी बैठा था। उसी समय इसी बात को लेकर उपेंद्र का अपनी पत्नी ज्योति के साथ विवाद हो गया और गुस्से में उपेंद्र पत्नी को धमकाने लगा और कहने लगा कि गोली मार दूंगा। पत्नी भी गुस्से में थी और उपेंद्र से कहने लगी कि गोली मार कर दिखाओ। इस तीखी नोकझोंक में उपेंद्र ने तमंचा निकालकर फायर कर दिए। एक गोली ज्योति के सीने में व दूसरी पेट में लगी। नजदीकी से गोली चलने के कारण ज्योति तुरंत मौके पर ही ढेर हो गई। वारदात को अंजाम दे उपेंद्र बाइक से फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुन मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और सन्नाटा पसर गया। घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, बासीओ सिटी प्रदीप कुमार और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी ने मौके का खुद मुआयना किया और हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। आपको बताते चलें कि उपेंद्र उर्फ भमरपाल यादव थाना मेरापुर के गांव दहलिया का रहने वाला है। जानकारी ये भी मिली कि उपेंद्र का थाना मऊ दरवाजा के ग्राम कुचलिया निवासी अशोक की पुत्री ज्योति से दूसरा विवाह हुआ है और ज्योति के 3 वर्ष का पुत्र यश है और ये मोहल्ला गड़ी अशरफ अली में किराए पर रहते थे। जानकारी ये भी प्राप्त हुई है कि दोनों पति पत्नी में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मामले की जानकारी देते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया। ये गड़ी अशरफ अली खां मोहल्ला है जो कि बजरिया थाना मऊ दरवाजा का। आज करीब 6:30 बजे के बीच में सूचना मिली थी, जो ज्योति डॉक्टर अशोक यादव है जिनकी उम्र करीब 23 वर्ष, उनको उनके पति उपेंद्र उर्फ बहुत साल जो है उनके द्वारा गोली मार दी गई। मौके पर यहाँ पर मेरे द्वारा सीओ द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो डेड बॉडी है उसको मोर्चे में भेजा जा रहा है और इसमें जो आगे की पंचनामे की कार्रवाई है वो करवाई जा रही है। 2 गनशॉट के जिसके आए हैं लग रहे हैं, जो 2 गनशॉट मारे गए हैं। उसका टीम हमारी जो है टीम लगा दी गई है, इसमें जल्द से जल्द जो द्वारा जो गिरफ्तार किया जाएगा। जैसा कि इनके परिवार वालों से बात हुई है, ये जो महिला है ये जयपुर में 8 महीने से रह रही थी और कल ही यहाँ पर आई थी और कल भी पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था और आज शाम को उसी विवाद के क्रम में या अन्य जो भी कारण रहा जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उस क्रम में उसके द्वारा अपनी पत्नी को गोली मार दी जिसमें उनकी डेथ हो गई और इसमें परिवार वालों से जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसमें आवश्यक धाराओं में मुकदमा लिखकर आगे बढ़ाया जा रहा है। सर क्या गोली मारी? 2 गनशॉट अभी नज़र आ रहे हैं जो एफएसएल टीम से हमने देखा है। बाकी अन्य कोई होगा तो वो पीएम से क्लियर होगा, उसके लिए डेड बॉडी को मोर्चरी पे छोड़ दिया। सर पति पत्नी को एक दूसरे को सकता कुछ जानकारी मिली क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्या था क्या नहीं था वो बात की बात है, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो उसके आधार पर उसमें एक्शन किया जाएगा। सर बच्चे भी हैं? हाँ, इनका एक बच्चा भी छोटा बच्चा। ठीक है, ठीक है।